राजभवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। देखिए, पहले ही आज तक ने आपको जानकारी दी है और ये जानकारी इस वक्त हमारे पास निकलकर आ रही है पीएम लेफ्ट फ्रॉम राजभवन से। और यकीनन आज का ये कार्यक्रम पहले डल झील पर किया जाने वाला था। डल झील बेहद खूबसूरत, चारों तरफ शिकारे ही शिकारे। वहां पर अंदर जाने पर आपको दिखाई देगा एक बड़ा सा मार्केट जो डल झील के ऊपर वहां से तस्वीरों में आपको नजर आता है, जब भी आज तक वो तस्वीरें आप तक पहुंचाता है। और फिलहाल इस कार्यक्रम को शिफ्ट कर दिया गया है अब एक हॉल में और वहां पर तैयारी पूरी की जा चुकी है। राजभवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। नेहा, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया था चित्रा, कि 7:15 बजे के आसपास कार्यक्रम का आगाज हो सकता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रोग्राम कैंसिल और रद्द नहीं हुआ है, इसका स्केल थोड़ा सा कम कर दिया गया है। जो 8,000 लोग होने थे वो अब लगभग उसके 10% 800 के करीब रह जाएंगे। और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में हमने ये भी देखा कि जो तैयारियां की गई थी भव्य, उसमें बैकड्रॉप का बहुत महत्व था, क्योंकि आपको श्रीनगर दिखाना था कि यहाँ की खूबसूरती किसी से भी छिपी हुई नहीं है। तो ऐसे में अगर उस बैकड्रॉप में होता तो ज्यादा मजा आता, हम और आप भी उस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बन पाते जब श्रीनगर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, फिलहाल 800 के करीब लोग ही सम्मिलित हो पाएंगे उस हॉल में। और जैसा कि मीर भी जानकारी दे रहे थे कि हॉल में किस तरह से बैकअप प्लान तैयार था, क्योंकि शाम तक यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ था और यहाँ लग ही नहीं रहा था कि आज सुबह जब योग दिवस का आयोजन होगा तो लगातार बारिश होगी। तो ऐसे में मैं क्या बड़ी जानकारी आ रही है नेहा, जल्दी से मैं दर्शकों को बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से निकल चुके हैं वेन्यू के लिए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को हम दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन में थे, फिलहाल वो निकल चुके हैं वेन्यू के लिए और वहां पर प्लान ए अगर कामयाब नहीं रहा तो प्लान बी, पूरी तैयारी वहां पर की गई है, क्योंकि कई दिनों से इसकी बकायदा रूपरेखा तय की जा रही थी। पीएम डल झील के किनारे योग करेंगे। फिलहाल वहां पर मौसम का मिजाज कैसा है नेहा, इसके बारे में बता रही है और चाय की चुस्कियां भी वो लेती हुई आपको दिखाई दे रही है। ठंड वहां पर बहुत ज्यादा है और यकीनन ठंड के बीच से रिपोर्टिंग भी करना है। और वो तमाम लोग जो कई दिनों से वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे, आज योगा करने का भी दिन है। फिलहाल बड़ी खबर यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से निकल चुके हैं और वो वेन्यू पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। नेहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा चित्रा, कि अब हो सकता है कि 7:30 बजे के बाद किसी भी वक्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आगाज हो जाए। अब ये हॉल के भीतर से होगा, बाहर से होगा, अभी इस पर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं, लेकिन ज्यादातर संभावना 99% संभावना यही है कि ये हॉल के भीतर से होने वाला है, क्योंकि बूंदाबांदी हो रही है। ऐसे में वहां पर जो व्यवस्था है वो ये रिस्क नहीं करेगी कि जो स्टूडेंट्स आए हैं, जो छात्र आए हैं, 3 बजे से वहां पर उनकी मौजूदगी है, 4 घंटे से वो वहीं पर खड़े हुए हैं, वो इस पानी में इस बारिश में योग करें, तो कवर्ड एरिया में ही योग किया जाएगा, ये आप तय मानिए। बाहर से योग करने की संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स निराश भी हुए हैं, हमने देखा उनको कहते हुए कि हम बहुत दिन से ये इंतजार कर रहे थे। अब देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका होता है कि आप प्रधानमंत्री को ऐसे आमने सामने देख पा रहे हैं योग करते हुए। आप दूर दराज के जम्मू के आसपास के इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हैं, काफी ज्यादा मशक्कत के बाद, कई एफर्ट्स के बाद ये दिन 21 जून का आया है जब वो प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर योग कर पाते हैं। लेकिन उन लोगों को थोड़ी सी मायूसी हुई है, लेकिन अब जो 800 लोग जिनको चयनित किया जाएगा वो सौभाग्यशाली होंगे उस कवर्ड एरिया से प्रधानमंत्री के साथ योग करने के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस तरीके से पूरी तरह से फ्लॉप शो नहीं है, इसका स्केल थोड़ा सा कम हो गया है। 8,000 लोग के साथ आप सोच सकती हैं कि जब ताल में ताल मिलता योग की सारी क्रियाएं होती तो वो नजारा कुछ अलग ही होता। अब 800 लोग करें, 8,000 लोग करें, बड़ा संदेश तो जाना तय है कि आज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और वो भी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम श्रीनगर में योगा होता हुआ देखेंगे। और प्रधानमंत्री इसके लिए स्वयं निकल चुके हैं, कल राजभवन में ही वो रुके थे, उनका रात्रि विश्राम वहीं पर था, क्योंकि शाम को उनका एक कार्यक्रम था एलजी मनोज सिन्हा के साथ जिसमें उन्होंने बहुत सारे तोहफों की यहां पर बौछार करी है। 1500 करोड़ की परियोजनाएं जो जाहिर तौर पर श्रीनगर और आसपास के इलाकों की तस्वीर बदल देंगी, चाहे वो सड़क के लिहाज से,
इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 2 करोड़ जो हम जिस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं पिछले 1 साल में, उनको सपोर्ट करने के लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है ये भी समझना होगा चित्रा, क्योंकि श्रीनगर हर लिहाज से G20 के बाद बदला तो है, स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर तो है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जिसको परिपूर्ण करना है। मीर फरीद हमारे साथ जुड़े हैं, वो लोगों से बातचीत करते हैं, बातचीत कर रहे हैं। मीर, बहुत सारी बच्चियां हैं आपके साथ, बातचीत करें। मीर फरीद हमारे संवाददाता मौजूद हैं वहां पर, जो बच्चियां आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली थी उन सभी के साथ। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में वेन्यू पर पहुंचने वाले हैं, राजभवन से वो निकल चुके हैं। सुबह 6:30 बजे से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना था, लेकिन वहां पर बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा शेड्यूल चेंज किया गया है, रीशेड्यूल किया गया है। लेकिन यकीनन श्रीनगर से जो बड़ा संदेश पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन देना चाहता है, उसका महत्व कहीं ज्यादा बड़ा है। आप जरा सोचिए, नेहा जहां से रिपोर्टिंग कर रही हैं, ये वो जगह है जहां पर एक समय में गोलियां चला करती थी, यहां पर रिपोर्टर्स का खड़ा होना तक काफी ज्यादा मुश्किल होता था। ये वो लाल चौक है जहां पर चारों तरफ पत्थरबाजी होती थी, कब कौन सा पत्थर आकर किसको लग जाए ये कहना तक मुश्किल था, लेकिन आज वहां पर शांति है, आज वहां पर तरक्की की एक अलग राह चलता हुआ श्रीनगर कश्मीर दिखाई दे रहा है। मीर फरीद हमारे साथ जुड़े हुए, मीर आपके साथ बहुत सारी बेटियां मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत करें, कार्यक्रम चेंज किया गया है, कुछ लोग जाएंगे हॉल में करने के लिए, क्या जानकारी और मिल रही है मीर? जी बिल्कुल, अभी जो है हॉल में शिफ्ट किया जाएगा ये प्रोग्राम, और हॉल में से आप जानते हैं ज्यादा से ज्यादा 500 से 700 के आसपास लोगों को जो है वहां अकोमोडेट करने की कोशिश है। योगा के लिए आपको जगह भी काफी ज्यादा चाहिए, तो लास्ट मिनट पे जो है ये चेंजेस करने की कोशिश है, क्योंकि किसी ने भी ऐसा लग नहीं रहा है कि दिमाग में ये बात रखी थी कि बारिश हो सकती है, तो प्लान बी चाहिए। प्लान बी जो है अभी बनाया जा रहा है, लेकिन ये सारे जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, ये सब जो है पिछले 2 दिन से इसकी तैयारी कर रहे थे। हमने बात की तो सुबह के 2 बजे से जो है ये इनको लाया गया था, इनको वेन्यू पे पहुंचाया गया था। जैसे आप देख सकते हैं योगा के मैट सब ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को ढकने के लिए, बारिश से बचने के लिए, तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। कुछ लोग गुस्से में भी हैं कि प्रशासन की तरफ से जो है इससे अच्छी तैयारी होनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चे जो है बारिश में बिल्कुल भीग चुके हैं, तो मिला जुला जो है माहौल है। कई लोग दुखी हैं क्योंकि 2 दिन से तैयारी कर रहे थे और प्रधानमंत्री के साथ योगा करने का जो मौका था, एक लाइफ टाइम की मेमोरीज बनानी थी इन्होंने, लेकिन वो बारिश ने सब जो है धो दिया है। तो मिक्स फीलिंग्स है, जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स से हमने इससे पहले भी इनसे बात की, रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पर बारिश हो रही है क्या मीर, अभी बारिश हो रही है क्या, क्योंकि आप बाहर से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं लगातार? जी 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 जी, मैं जो है बिल्कुल जो है पानी में भीगा हुआ हूं आपको ये कह सकता हूं, लेकिन अभी जो है बारिश काफी कम हो गई है। बारिश जो 10 मिनट पहले तेजी से बारिश हो रही थी, अभी बूंदा बांदी हो गई है, और वेदर अगर आप प्रिडिक्शन की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि आधे घंटे में बारिश जो है कम हो जाएगी, मौसम थोड़ा सा खुलेगा, तो वो एक अच्छी खबर है। लेकिन अब जो है उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वेन्यू चेंज हो चुका है, बाहर से अब अंदर की तरफ जो है तैयारी है, लेकिन फंक्शन जरूर होगा। यही जो है जो हमारे सूत्र वहां पे हैं और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि फंक्शन जरूर होगा, और कोशिश वो कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी किसी इंडोर सेटिंग में जो है इसका आयोजन किया जाए। जैसे मैंने कहा वहां 3 से 4 बड़े हॉल हैं, एक ऑडिटोरियम है, वहां जो है फंक्शन होना काफी मुश्किल है क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन 2-3 हॉल ऐसे हैं जो कि हालांकि ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन योगा का जो है प्रोग्राम वहां हो सकता है, 300 से 400 के आसपास लोग वो अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वहां पे जो है इस वक्त जल्दी से तैयारी करने की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हो जाए और ये फंक्शन जो है प्रधानमंत्री कर पाए, तो वही अभी कोशिश चल रही है। अभी जो जानकारी मेरे पास निकलकर सामने आ रही है, वहां पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं राजभवन से, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हुए हैं उस वेन्यू के लिए। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजभवन में पीएम की मौजूदगी थी, वो वेन्यू के लिए निकल चुके हैं। प्लान ये था डल झील के किनारे करने का, प्लान बी भी तैयार किया गया था, हॉल के भीतर वहां पर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी